महामारी के संकट से करीब दुनिया भर में इससे प्रभावित जगहों पर लॉकडाउन करने की खबर सुनने में आ रही है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान किया। देश में लॉकडाउन 24 मार्च रात 12 बजे से शुरू हुआ, जो कि अप्रैल 14 तक जारी रहेगा। जहां भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन करने की बात कही जा रही है, वहीं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ लॉकडाउन से महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता है। न्यूज ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार वहीं अभी भी लोगों में इस वायरस का खौफ फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि कोरोना को हराने के लिए शहरों और देशों को लॉकडाउन करने से ही काम नहीं चलेगा। WHO ने कहा कि लॉकडाउन के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य के कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो वायरस फिर से पनप सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सीसर्स इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रायन ने BBC को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि कोरोना से फैली बीमारी से निपटने के लिए देश सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। रायन ने आगे कहा कि यह बीमारी दोबारा न पनपे, इसके लिए जन स्वास्थ्य के लिए सभी उपाय करने होंगे। हमें सबसे पहले कोरोना से बुरी तरह बीमार व संक्रमित हुए लोगों का पता करना है। उन्होंने कहा कि इससे कौन कौन लोग संक्रमण हुए हैं यह पता लगाना होगा, फिर इन सभी को आइसोलेट कर उनका ठीक से इलाज करना होगा। इसमें एक हैरान करने वाली बात यह भी कही जा रही है कि अगर इस महामारी से प्रभावित लोगों की पहचान करके उनका इलाज नहीं शुरू करते हैं तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रभावित लोगों की संख्या में एकदम से बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर कई देश WHO की आलोचना कर रहे हैं। ताइवान ने WHO पर आरोप लगाया कि उसने महामारी को बताने में देरी की। WHO समय से इस संकट के बारे में चेतावनी देने में नाकाम रहा। आपको बता दें कि भारत समेत कई देशों में लॉकडाउन किया जा चुका है, लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी जा रही है। वहीं भारत में लॉकडाउन का बुरा प्रभाव रोजमर्रा काम करके अपना जीवन बसर करने वाले लोगों पर पड़ा है। सरकार की तरफ से इन लोगों को खाना उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से की जा रही मदद उनके लिए काफी होगी यह कहना मुश्किल है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।